नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सीपीआई सांसद ने कृषि कानूनों को असंवैधानिक करार देने के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कोरोना के इलाज की खर्च सीमा तय करने के बाद भी 80% परिवारों के लिए ये पहुंच से बाहर। कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से खुशबू सुंदर को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटाया, भाजपा में हो सकती है शामिल। टीआरपी रैकेट मामले में मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए रिपब्लिक के सीईओ और सीओओ। महाराष्ट्र में महिला ऑटो रिक्शा चालक को पीटने और अभद्रता करने के आरोप में 2 लोगों पर केस दर्ज। असम पुलिस परीक्षा पेपर लीक मामले में 4 और लोगों को किया गिरफ्तार। निर्भया के अपील, महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को टिकट ना दे राजनीतिक पार्टियां। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अब विदेशी डिग्रियों पर डॉलर लुटाने की जरूरत नहीं। मनीष शुक्ला हत्याकांड मामले में भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से की सीबीआई जांच की मांग। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से मॉनसून की विदाई में देरी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाओं को खोलने को तैयार है इसरो। इजरायली राजदूत ने कहा कि नए कृषि कानूनों से और सुधरेगी किसानों की हालत, अधिक होगी कमाई। जितेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर से फिर से चलेगी दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन। भाजपा और शिवसेना के बीच रिश्तों में खटास की जड़ रहा है आड़े का जंगल। पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला, प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए जाएंगे 50,000 किराए के घर। चुनावी अभियान में वापसी करेंगे ट्रंप, कहा कि लगता है कोरोना के प्रति इम्यून हो गया हो। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकी देने के मामले में एक गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 44 पुलों को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। भारत के लिए गौरव का क्षण, 8 समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग का दर्जा। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में पुलिस अपनी ताकत का कर रही दुरुपयोग, सरकार करे कड़ी कार्रवाई। नवरात्रों पर टिकी फूल व्यापारियों की उम्मीद, पिछले 6 महीने से ठप पड़ा है बाजार। बड़े बदलाव की तैयारी में रेलवे, हाई स्पीड ट्रेनों में होंगी केवल विशेष वातानुकूलित कोच। भारतीय रेलवे का नया प्लान, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से हटाए जाएंगे स्लीपर कोच। बंगाल में शुरू हुई दुर्गा पूजा की तैयारियां, कोलकाता के बाजार हुए गुलजार। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है।